जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और पहले तो भाई माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि 2 दिन से आपका प्रैक्टिस सेट नहीं आया। मैं ज़रा यार बिजी हो गया था कहीं, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट ला नहीं पाया। पर हाँ, आज मैंने सोचा है कि आपके लिए 2 प्रैक्टिस सेट ले आऊँगा। एक तो ये आपका अभी अपलोड हो जाएगा और एक आज शाम तक या रात तक अपलोड हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा कंपनसेट करने के लिए आज मैं आपके लिए 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूंगा, ठीक। और जो पहली बार ये प्रैक्टिस सेट देखने आए हैं, उनको जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको बता दूं कि भाई ये DSSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं इसमें रीजनिंग के। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के करवाने हैं तो वो भी कमेंट में बता देना। और अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हो तो आपके रीजनिंग में फुल नंबर लाने की गारंटी है यहाँ से, ठीक। गारंटी है आपके फुल नंबर लाने की, क्योंकि इसकी रीजनिंग थोड़ी सी SSC से अलग होती है। तो अगर आप अब तक SSC की रीजनिंग पढ़ के समझ रहे हैं कि हम DSSSB की भी कर देंगे, तो आप थोड़ी सी गलतफहमी में हो। और ये गलतफहमी या तो आपकी ये सीरीज़ देख के दूर होगी, नहीं तो जिस दिन पेपर में बैठोगे उस दिन दूर होगी, ठीक। अब वो आपकी मर्ज़ी, आपको कब दूर करनी है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ले गए प्रभु का नाम, जिस भी प्रभु को आप मानते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन ये रहा। अब भाई कोई नया होगा तो उसको लगेगा पहला क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन नंबर 16 क्यों लिखा है यहाँ पे? तो भाई इससे पहले के 15 क्वेश्चन हम इससे पिछले वाले सेट में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, ठीक। चलो क्वेश्चन पढ़ो। एन इज द फादर ऑफ एम। तो भाई फादर के लिए, मेल के लिए मैं प्लस बनाऊंगा, फीमेल के लिए माइनस बनाऊंगा, भाई बहन के लिए सिंगल लाइन और मैरिड के लिए, कपल के लिए डबल लाइन, ठीक है। ये कुछ कोड है मेरे। एन इज फादर ऑफ एम, एन इज फादर ऑफ एम। क्यू इज द सन ऑफ पी, क्यू इज द सन ऑफ पी एंड क्यू इज द ब्रदर ऑफ एम। तो जो क्यू है वो पी का सन भी है और इसका भाई भी है एम का। तो ये एम का भाई है और ये सन है पी का, ठीक है। पी का सन है मतलब ये एन जो होगा, सॉरी यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे आएगा क्यू। क्यू इज द ब्रदर ऑफ एम एंड द सन ऑफ पी। तो ये एन और पी हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ये रिलेशन हो गया। आर इज द डॉटर ऑफ क्यू, क्यू की डॉटर है आर। एल इज द फादर ऑफ एस, एल और एस दोनों ही नहीं है, आगे चलते हैं। एंड एस इज मैरिड टू एम, ओ एस की शादी हुई है एम से। और एल, अरे नहीं यार क्या हो गया ये, नहीं। एल इज द फादर ऑफ एस एंड मैरिड टू एम। तो एल की शादी हुई है एम से और फादर है एस का, ठीक। फादर है मतलब ये लड़की होगी। अब इसने पूछा क्या है, हाउस आर रिलेटेड टू एस। तो आर क्या लगेगी, एस की क्या लगेगी भाई, सिस्टर मदर नहीं, ब्रदर्स वाइफ नहीं, कजन बिल्कुल, क्योंकि ये इसकी बेटी है एन की, ये इसका दामाद है और ये इसका लड़का है। तो ये उसकी लड़का, ये लड़की हो गई, ये इसकी लड़की हो गई, तो ये आपस में कज़न हो गए, जैसे आप अपने चाचा ताऊ मामा मामी के हो जाते हो ना, बच्चों के कज़न होते हो, तो ये भी आपस में ऐसी कज़न हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल 34 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ रो। तो भाई एक रो है जिसमें टोटल 34 स्टूडेंट है, सारे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, फेसिंग द नॉर्थ। अमन इज 10th फ्रॉम द राइट, अमन यहाँ से 10th है राइट से। वाइल नेहा इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट, तो नेहा यहाँ से 13 है। हमें क्या बताना, हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन, इनके बीच में कितने खड़े हैं। तो अगर हम 13 बंदे यहाँ से हटा दें और 10 बंदे यहाँ से हटा दें, तो टोटल हमने कितने बंदे हटा दिए, 23। तो बीच में कितने बचेंगे, 11। ऑप्शन नंबर 1 ये। चलो नेक्स्ट। सेलेक्ट द सेट इन विच द लेटर पेयर आर रिलेटेड इन द। तो जैसे ये दोनों रिलेटेड हैं, ऐसे ही हमको इन चारों में से भी कोई बताना है, इन चारों में से भी कोई रिलेटेड होगा। तो भाई अब कैसे चलें, इनका पहला पहला लेटर पकड़े, ओ एन पी। ओ एन पी क्या होगा, ओ एक पीछे एन फिर आगे, तो ये यू है ओ एन पी। फिर एस आर टी चलें अगर हम, तो एस आर टी ये भी ऐसे है। के एम ओ मतलब एन एम ओ, एन एम ओ कैसे, एन एक पीछे एम होगा ओ, ये भी ठीक है। क्यू पी आर, क्यू पी आर ये भी ठीक है। आर क्यू एस,
आर क्यू एस, ये भी ठीक है। पी ओ एस, पी ओ क्यू, नहीं पी ओ क्यू, ये भी ठीक है। तो भाई पहले से तो कुछ पता नहीं चल रहा, पहले तो सारे ही सेम से हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एल वी आर, एल वी आर, एल से वी, एल से आर का गैप देखो, 1 2 3 4 5। एल से आर में 5 का गैप है, पी से वी में, पी से वी में 1 2 3 4 5, पी से वी में भी 5 का गैप है, तो 5 5 का गैप ढूंढ लो। के से आर चलो, 5 का गैप मिलेगा, 1 2 3 4 5, नहीं। एन से यू चलो, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं है। ओ से वी चलो, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं है। एम से एस, 1 2 3 4 5, हाँ एम से एस में 5 4 4 का गैप, 5 का गैप है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर ब्लड रिलेशन का आ गया है। भाई ब्लड रिलेशन के आपके क्वेश्चन, मेरे को तो लगता है कि आपको आता होगा ब्लड रिलेशन, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है होमवर्क। इसको स्क्रीन को पॉज करें और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक। और अगर ना भी आए तो बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। चलो भाई ये क्वेश्चन करने बहुत आसान होते हैं, अगर आप तक आप इन क्वेश्चनों में फंसते हो तो जहाँ मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि पूछने पूछा क्या है, इसने पूछा है व्हाट डज द कोड मो स्टैंड फॉर। अब आपको देखना है मो किन दोनों में है, मो पहले दूसरे सेंटेंस में है, बोपो मो लो मोको, तो इसमें मो है इसमें मो है। अब आपको देखना है इन दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, चेयर इज टॉल, शॉर्ट इज टॉल, तो टॉल टॉल, तो आपका टॉल, मो का भी टॉल ही होगा क्योंकि मो और मो टॉल और टॉल कॉमन आ गए। भाई ये क्वेश्चन भी आसान है, ये भी मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ वैसे तो, पर आप कहोगे सारे ही होमवर्क दे रहा है, तो ये देख लो भाई, इंटू टू इंटू फोर इंटू टू इंटू फोर, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको बता दी, अब आप इसमें देख लेना, वॉट विल कम इन द प्लेस। अब इसमें हमको साइन बदलने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको ये करा देता हूँ, अगर ऐसा दूसरा होगा तो वो आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है, क्योंकि इनमें थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी है इसलिए मैं वो करा देता हूँ। 99 प्लस माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, डिवाइड की जगह आ जाएगा इंटू, 448 इंटू की जगह डिवाइड। सॉरी भाई अगर थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो तो, यार ये काम ही ख़त्म नहीं होता, पड़ोसी होगा बैंक। तो अगर हम 7 को डिवाइड कर रहे हो 448 से, तो 42 आता है 7 की टेबल पे, कितने पे, 6 पे, फिर 28 आता है 4 पे, तो इसका तो आंसर आ गया 64। फिर अब 11 को हम 64 से इंटू करेंगे, तो 640 प्लस 64, 407, 704। अब इस 704 में हम 99 ऐड करेंगे, 803। अब इस 803 में से हम 49 माइनस करेंगे, 13 में से 9 गए 4, 79 में से 4 गए 75, 754 का है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक। ऐसे ही करना था आपको, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। क्वेश्चन ये भी आसान है, मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, पर आप कहोगे सारे ही होमवर्क दे रहा है, तो ये देखो, -20 प्लस 20 -20 प्लस 20, ट्रिक मैंने आपको बता दी, अब इसमें लगा लेना, ठीक है। चलो भाई मैं ऐसे आपके साथ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल एट द एंड आपको ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जाम में जाके, मेरे को नहीं करने, मेरे को आते हैं, ठीक। तो जितनी मेहनत आप करोगे आपके ही काम आएगी। चलो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखो यार दो अलग सीरीज फॉलो हो रही है, एक ये 53 से प्लस 7 हो रहा है, तो जो यहाँ पे नंबर आएगा वो प्लस 7 होके आएगा 67, क्योंकि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ये प्लस 7 ये प्लस 7 है ना, तो इस जो इसके अगला नंबर आएगा वो इसमें प्लस करके आएगा, वो आएगा 349, यहाँ पे आएगा 347, हमें बताना है 347 वाला, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है भाई, इंटू टू इंटू सिक्स इंटू टू इंटू सिक्स, इसमें लगा लेना और आंसर बता देना। सेलेक्ट द, अच्छा हमें क्वेश्चन मार्क बताना है, नेक्स्ट बताना है नेक्स्ट क्या होगा। तो भाई इनके बीच में 5 का गैप है, इनके बीच में 10 का गैप है, और इसमें 20 का गैप है, इसमें 40 का गैप है, तो अगर हम इसमें 80 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 9,
इसमें जाएगा पंदीरा 159। ठीक, चलो ये क्या है इसमें मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा पहले दिमाग लगाओ फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है, क्योंकि मेरे को तो ये देखते ही समझ आया है इसमें क्या है। ठीक है, आया कुछ समझ? नहीं आया? चलो जिसको आ गया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया बता देता हूँ भाई। 7 × 10 क्या होता है? 70। और 7 × 6 क्या होता है भाई? आपको करके देखना पड़ेगा कि सब में यही फॉलो हो रहा है या किस में क्या फॉलो हो रहा है। मैंने भी करके ही देखा है, क्योंकि मैंने देखा 70 से ये कितना ज़्यादा है, 42 ज़्यादा है, तो ये 42 कितने पे आता है? 6 पे, तो यहाँ पे 112 आ गया। तो यही चीज़ मैंने फिर इसमें लगा के देखी कि 180 से अगर हम 18 × 6 करें, 6 × 8 = 48 का 4 कैरी, 108 आ रहा है। 108 अगर इसमें जोड़े हमें तो 288 आ रहा है, तो ये ठीक है, इसमें भी फॉलो हो रहा है। फिर हम 110 में 11 × 6 = 66 होता है, 66 ऐड करें 176 आ रहा है, ये भी ठीक है। तो अब तक हमारे ये तीनों सही होते आए हैं, तो हमें पता है कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो ही हमारा गलत है, पर फिर भी हम करके देख लेते हैं। 130 में अगर हम 13 × 6 ऐड करेंगे, 13 × 6 क्या है? 18 का 1 कैरी, 6 = 78। अब 78 ऐड करोगे कितना आएगा? 208, बट वहाँ क्या है? 218। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेलेक्ट द सेट रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर। ठीक है, तो ये भी आसान है। × 2 × 6 मतलब × 8 × 2 × 8, तो ये देख लो, × 2 नहीं हो रहा इसे काट दो, ये दोनों × 2 हो रहे हैं, ये × 2 नहीं हो रहा इसे काट दो। अब × 8 में कैसे करोगे आप? 3 × 13 = 8 था, क्या होगा लास्ट में आपको पता है, यूनिट डिजिट में 4 आएगा, क्योंकि 3 × 24 होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा, इसे भी काट दो। ठीक, चलो अब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करो, करने की कोशिश करो। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का। अब इसमें यार क्या ट्रिक हो रही है देखो, आप क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, मतलब ट्राई और कोशिश तो एक ही हो गया, करो जो भी करना है करो, मेरी थोड़ी व्याकरण कमजोर है भाई। इसमें अब तक मुझे बस एक ही देख के सीरीज फॉलो समझ आई है कि ये जो तीसरे नंबर से ये पहला बड़ा है, तीसरे से पहला बड़ा है, तीसरे से पहला बड़ा है, तीसरे से पहला छोटा है, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका। ठीक होना चाहिए ना भाई? अगर आप 13 × 4 करें कितना होगा? 3 × 4 = 12 का 1 कैरी, 3 × 4 = 1.5। और अगर आप 42 ×, अबे क्या 42 लिख जा भाई, 42 × 4 करें, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, नहीं ये भी नहीं। फोर्टी टू को 7 17 प्लस करना 9, 58, 58 × 2 118, ये पकड़ लिया हमने, पकड़ लिया क्या? ऐसी है 33 में 12 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 5, 45, 45 × 2 भाई यहाँ तो 90 आ रहा है। ओहो अब आपको समझ आया, जो खेल दिखने का होता है वो असलियत में नहीं होता। 9 3 8 + 12 8 7। हाँ अगर आप इस तरीके से जाते कि ये छोटा ये छोटा ये छोटा, और आप ऑप्शन नंबर ए लगा के आते तो आपके कट जाते नंबर, क्योंकि इसमें ट्रिक क्या फॉलो हो रही है, इसमें ट्रिक ये फॉलो हो रही है कि फर्स्ट और थर्ड वाले को ऐड करके उनका 2 गुना हो रहा है, तो उसमें भी फॉलो हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 सी में फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ आ रहा है 45, और 45 × 2 90 होता है, यहाँ पे 180 है। आया समझ? तो भाई ऐसे डायरेक्ट मत जाया करो उन पे कि उसमें वो कम है, उसमें वो कम है, तो यही होगा, ऐसे नहीं होते, सॉल्व करके देखने पड़ते हैं, देखा ना अभी आपने। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, दी एंड भाई। यही था इस सेट में, इतने ही क्वेश्चन थे, अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ ना आया तो एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा देखना,
मेरी उम्मीद है कि जरूर समझ आएगा, क्योंकि इतना कोई हार्ड एंड फास्ट था नहीं। बस ये इसलिए है कि आपको पता चले कि DSSB की रीजनिंग अलग होती है SSC से। SSC में थोड़ी डिफरेंट टाइप की रीजनिंग आती है, इनसे थोड़ी अलग आती है। तो बस इतनी रखते हैं इस वीडियो को। किसी का कोई सजेशन हो, किसी का कोई डाउट हो, किसी का कुछ कमेंट हो तो कमेंट कर देना, मैं पढ़ने ज़रूर आऊँगा रात को। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में इसी जोश और उमंग के साथ। चलो भाई, राम राम।